ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को ऑलमोस्ट 700 डेज हो चुके हैं एज यूनिवर्सल चैंपियन, और इस साल समर स्लैम की सबसे बड़ी हाईलाइट है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस मैच को लेकर और ज़्यादा हाइप बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं रिटर्न्स, सरप्राइजेज और शॉकिंग एंडिंग होने के। स्पेशली इसमें मनी इन द बैंक कैश इन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इस मैच के लिए एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है जैसे जैसे समर स्लैम नज़दीक आ रहा है। जून 2014 में जब शील्ड का ब्रेकअप हुआ तब से लेकर अब तक हमने रोमन रेंस को राइज करते हुए ही देखा है, और इतना डोमिनेंट कैरेक्टर बहुत टाइम बाद फैंस को देखने को मिला है जिसमें इतने लंबे पीरियड के लिए चैंपियनशिप किसी ने होल्ड करके रखी हो। लेकिन अभी भी ये कोई श्योर होकर नहीं कह सकता है कि ये टाइटल कब तक रोमन रेंस के पास रहने वाली है। टू फर्दर एलिवेट योर एक्साइटमेंट फॉर समर स्लैम 2022, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के अब तक के सारे समर स्लैम मैचेस के बारे में। वीडियो के एंडिंग में आई विल पिक माय टॉप 3 मैचेस जिनको आप रीविजिट कर सकते हैं बिफोर समर स्लैम 2022। सो हेलो गाइस, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पॉप कल्चर रेसलिंग। रोमन रेंस ने 2010 में ही WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, और थोड़े टाइम तक FCW में रहने के बाद मेन रोस्टर पर शील्ड ने डेब्यू किया सर्वाइवर सीरीज 2012 में। शील्ड वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फैक्शंस है WWE की, और इसके तीनों मेंबर्स आज इंडिविजुअली अपने करियर के पीक पर हैं। लेकिन रोमन रेंस को WWE की अटेंशन मिली, और 2014 में शील्ड के ब्रेकअप के बाद ही WWE उनको कंपनी के फेस के तौर पर बिल्ड करने लगी। रेंस बहुत जल्दी वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आ गए थे, और बैटल ग्राउंड पेपरव्यू 2014 में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है फेटल फोर वे, जिसमें रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, रोमन रेंस और केन इन्वॉल्व थे। इस मैच में विक्ट्री हुई जॉन सीना की, लेकिन फॉलोइंग दिस मैच रोमन रेंस की राइवलरी स्टार्ट हुई रैंडी ऑर्टन के साथ, जिसके बाद इन दोनों का मैच हुआ एट समर स्लैम 2014। इससे पहले शील्ड के टाइम पर भी इन दोनों के मैचेस हुए थे, बट ये मैच कुछ अलग था। यू कैन इमेजिन रैंडी ऑर्टन 2014 वाले कितने डेंजरस थे, और ये मैच भी बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग और एनर्जेटिक था। यहाँ एक्शन वैसा ही था जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, मिड एयर RKO, स्पीयर टर्न्ड इनटू पावर स्लैम, सुपरमैन पंचेज एंड इवेंचुअली एक विशियस स्पीयर लगाकर यहाँ रैंडी ऑर्टन को पिन कर दिया रोमन रेंस ने। और ये सिंगल्स फ्यूड में आने के बाद रोमन रेंस की बिगेस्ट विक्ट्री थी उस टाइम की। यहाँ से इस मैच के बाद रोमन रेंस इस्टेब्लिश्ड हो गए एज अ मेन इवेंट कैलिबर सुपरस्टार। समर स्लैम 2015 से पहले रोमन रेंस ने ऑलरेडी एक हाई स्टेटस अचीव कर लिया था WWE के अंदर, और रॉयल रंबल जीतने से लेकर रसलमिनिया 31 के मेन इवेंट में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑलमोस्ट जीतने तक रोमन रेंस वॉज ऑन फायर। बट जून में होता है मनी इन द बैंक, और यहाँ अपने फर्स्ट मनी इन द बैंक मैच में कम्पीट कर रहे थे रेंस, बट उनको मैच कॉस्ट करवा दिया ब्रे वाइट ने इंटरफेयर और अटैक करके। इसके बाद रेंस ने टीम अप किया ओल्ड बडी डीन एम्ब्रोस के साथ, एंड समर स्लैम 2015 पेपर व्यू में मैच होता है वाइट फैमिली ब्रे वाइट एंड ल्यूक हार्पर वर्सेस रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस का। ब्रे वाइट का उस टाइम पर ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स कैरेक्टर होता था, और समर स्लैम से पहले बैटल ग्राउंड में ब्रे वाइट ऑलरेडी हरा चुके थे रोमन रेंस को। बट यहाँ इस मैच में रिजल्ट डिफरेंट रहा क्योंकि यहाँ रेंस और एम्ब्रोस विक्टोरियस रहे। ये मैच कुछ स्पेशल नहीं था, बट इसके अलावा एक और इशू था फैंस की हेटरेड टुवर्ड्स रेंस। रोमन रेंस को बू मिलने लगी थी क्राउड की तरफ से ड्यू टू हिज कॉन्ट्रोवर्शियल राइज टू द मेन इवेंट स्टेटस। इसके नेक्स्ट ईयर में रोमन रेंस ने रसलमेनिया 32 में ट्रिपल एच को हराकर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, जिसके बाद वो लूज कर गए सेथ रॉलिंस के हाथों अपनी चैंपियनशिप। हाउएवर समर स्लैम 2016 के अराउंड एक नई चैंपियनशिप बेल्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, विच इज़ यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, और इसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें मेन रोस्टर पर अपना डेब्यू कर रहे फिन बैलर ने रोमन रेंस को हरा दिया। फिर इवेंचुअली समर स्लैम में सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का मैच हुआ, जिसमें हमें फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप होल्ड करते हुए दिखाई दिए फिन बैलर। बट रोमन रेंस की स्टोरी इससे अलग चल रही थी, और समर स्लैम से पहले उनकी फ्यूड स्टार्ट हुई विद द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन रूसेव, जिसके कारण इनका मैच अनाउंस होता है एट समर स्लैम। बट समर स्लैम में मैच स्टार्ट होने से पहले ही रेंस और रूसेव का ब्रॉल स्टार्ट हो गया, लीडिंग टू द मैच बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ नो कॉन्टेस्ट। बाद में क्लैश ऑफ चैंपियन में इनके रीमैच में रोमन रेंस ने रूसेव को हरा के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती। समर स्लैम 2017 के अराउंड रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की तगड़ी फ्यूड चल रही थी, जहां से बहुत मेमोरेबल मैचेस निकल के आए, लाइक एम्बुलेंस मैच एट ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर। इवेंचुअली समर स्लैम में एक फेटल फोर वे मैच सेटअप होता है बिटवीन द पावर हाउसेज ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन स्ट्रोमैन, समोआ जो एंड रोमन रेंस।
इस मैच में ब्रॉक लेसनर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे और उस टाइम पर मॉन्स्टर अमोंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन ओवरवेलमिंगली पॉपुलर हो रहे थे। समोआ जो का भी स्टेटस ऊंचा हो रहा था एज द समोअन सबमिशन मशीन। सिर्फ रोमन रेंज को टीवी के ऊपर ऑडियंस की हेट मिलती थी फॉर द वेल नोन रीजंस। फैंस को रोमन रेंज का फेस कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा था। एनीवे ये मैच एक शो स्टीलर बन के निकला क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम और ब्रूटल रेसलिंग देखने को मिली। इसको मैच न कह के एक फास्ट पेस्ड ब्रॉल बोलें तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि इस पूरे मैच में फैंस वेयर ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स। ऑब्वियसली इस मैच से स्टार बन के निकले ब्रॉन स्ट्रोमैन बिकॉज उन्होंने सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया सबको इस मैच में, बट बाकियों ने भी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट मैच दिया। रिंग साइड के ऊपर दो अनाउंसर टेबल्स के नीचे बैरिड थे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। बैरिकेड्स टूटे हुए थे, हवा में चेयर्स फेंकी जा रही थी, बट अल्टीमेटली यहाँ पर एक रिंग शैटरिंग F5 लगाने के बाद ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज को पिन करके अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली। इसके बाद नेक्स्ट ईयर समर स्लैम 2018 में मैच हुआ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंज फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ब्रॉक लेसनर काफ़ी टाइम से यूनिवर्सल चैंपियन थे और फैंस भी काइंड ऑफ डिसइंटरेस्टेड हो गए थे पार्ट टाइमर को देखते हुए एज वर्ल्ड चैंपियन। ऑल्सो यहाँ पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ मौजूद थे ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑन द रिंग साइड। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने समर स्लैम से पहले ये अनाउंस कर दिया था कि वो कैश इन करेंगे समर स्लैम के इस मैच में। मैच स्टार्ट होता है बट वंस अगेन ये मैच से भी ज़्यादा एक स्ट्रेट आउट फाइट थी जिसमें क्राउड को एंगेज रखने के लिए रिंग साइड पर कैश इन करने के लिए तैयार खड़े थे स्ट्रोमैन। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है और मैच के बीच में ही लेसनर ने स्ट्रोमैन पर अटैक करके उनको इनकैपेसिटेट कर दिया F5 लगा के, और इस बीच में रोमन रेंज को मौका मिल गया। रोमन रेंज ने स्पीयर लगा के ब्रॉक लेसनर को डिफीट कर दिया और इस तरह से रेंज की ये फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप विक्ट्री आई। यहाँ टाइटल जीतने के बाद रोमन रेंज ने कुछ मैचेस रेसल किए अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन, जिसके बाद हमें शील्ड का रियूनियन भी देखने को मिला और सुपर शो डाउन में मैच हुआ शील्ड वर्सेस स्ट्रोमैन, डॉल्फ ज़िगलर एंड ड्रू मैकइंटायर की टीम का, और यहाँ शील्ड ने डिफीट कर दिया स्ट्रोमैन की टीम को। लेकिन यहाँ इस सब के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आया स्टोरी में जब रेंज, स्ट्रोमैन और ब्रॉक लेसनर का मैच अनाउंस था क्राउन जूल 2018 के लिए। लेकिन इस ट्रिपल थ्रेट मैच से जस्ट पहले रोमन रेंज ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन रेंज ने अनाउंस किया और ऑडियंस को ये बताया कि उनको ल्यूकीमिया है और वो इससे सीक्रेटली बैटल कर रहे हैं फॉर 11 ईयर्स, लेकिन अब उनको जाना होगा इसके ट्रीटमेंट के लिए। ये सुनकर ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो गया टूवर्ड्स रोमन रेंज और ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। रोमन रेंज ब्रेक पर चले जाते हैं एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जो फैंस उनको हेट करते थे ऑन टीवी वो अब एक्चुअली मिस कर रहे थे रोमन रेंज को। बट ये इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं था क्योंकि अक्टूबर टू फरवरी अपनी ट्रीटमेंट में रहने के बाद रोमन रेंज ने रिटर्न किया और बताया कि वो रेमिशन में है। 2018 के समर स्लैम से मिसिंग रहने के बाद 2020 में रोमन रेंज ने रिटर्न किया समर स्लैम के मेन इवेंट में, जहां द फीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच चल रहा था। यहां रोमन रेंज ने आकर फीड और स्ट्रोमैन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी टी शर्ट पर लिखा था रैक एवरीवन एंड लीव और उनके परसोना से हील वाली वाइब्स आ रही थी। धीरे धीरे रोमन रेंज ने अपनी न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम आज ट्राइबल चीफ के नाम से जानते हैं। समर स्लैम 2019 में अपने नए अवतार में रिटर्न करने के बाद रेंज यूनिवर्सल चैंपियन बने फॉर द सेकेंड टाइम इन हिज करियर एट पेबैक, और उसके बाद उनकी जितनी फ्यूड्स हुई हैं, जितने टाइटल डिफेंसेज हुए हैं, सारे मेमोरेबल रहे हैं और इनमें से ही एक आया समर स्लैम 2021 में जब मैच हुआ जॉन सीना और रोमन रेंज का फॉर द सेकेंड टाइम। जॉन सीना जो रोमन रेंज से पहले WWE के फेस थे और रोमन रेंज जो अकेले पूरी स्मैकडाउन को अपने शोल्डर्स पर कैरी कर रहे थे उस टाइम पर, इससे पहले इनका एक मैच हुआ था बट उससे ये फ्यूड बहुत डिफरेंट थी। ये रोमन रेंज अलग थे इस बार प्रोमो बैटल्स में। जॉन सीना अकेले डोमिनेट नहीं कर रहे थे रोमन रेंज को क्योंकि ट्राइबल चीफ कैसे रोस्ट करते हैं लोगों को ये तो सबने देखा ही है। अभी विंस मैकमैन के रिटायरमेंट के बाद रोमन रेंज ने थियरी को जो डिस्ट्रॉय किया रॉ के ऊपर, हाउ कैन वी नॉट रोल ऑन द फ्लोर लाफिंग। रॉ की ऑडियंस थियरी को हु इज़ योर डैडी के चांस लगा रही थी। बैक टू आवर टॉपिक, समर स्लैम 2021 के मेन इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेंज और सीना ने रेसल किया और यह एक पिक्चर परफेक्ट फ्रेम टू फ्रेम एक इंस्टेंट क्लासिक रेसलिंग मैच था। यहाँ जॉन सीना अपनी 17th वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री के लिए लड़ रहे थे जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा क्योंकि अभी वो रिक फ्लेयर के साथ टाइड हैं विद 16 वर्ल्ड टाइटल विक्ट्रीज। जॉन सीना की सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप विंस को हमने कवर किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। यहाँ पर इस मैच में एक स्टिपुलेशन ऐड कर दी गई थी कि अगर रेंज यहाँ हारते हैं तो वो WWE को लीव कर देंगे,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ, और अल्टीमेटली यहाँ विक्ट्री ली रोमन रेंस ने। इस तरह से इस मैच की एंडिंग हुई और जॉन सीना अपनी 17th वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री नहीं ले पाए। रोमन रेंस के सारे समर स्लैम मैचेस में अगर मेरे टॉप 3 फेवरेट पिक्स की बात करें तो नंबर 3 पर है 2018 से रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। सेकंड नंबर पर मैंने रखा है समर स्लैम 2021 से जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस, और नंबर 1 पर है ऑब्वियस चॉइस 2017 फेटल फोर वे मैच। अब 2022 में समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में आपके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, पॉप कल्चर लिसनिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।